हेलो दोस्तों, सलाम वालेकुम। हैदराबाद को निकला हूँ मैं, तो साथ में मेरा दोस्त मिला। अरे इंटर का दोस्त है मेरा, रवि बोल के। तो मैं सोच रहा नहीं, पहले बस स्टैंड में देख के पहचाना मैं उसको, बाद में उन मेरे को देख के शॉक हुआ। तो अलहमदिल्ला आपका निकला हूँ, करीब करीब हाजीपेट के करीब में हूँ। और देखेंगे इंशाल्लाह वहाँ का माहौल कैसा रहता, कि वहाँ का निकलने का टाइम कितना कैसा क्या, इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और वहाँ से निकलते वक्त इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वो वीडियो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। आप ऐसे देखते रहो, माता तारा पपी चला बस चढ़े, जब से उसको टाचर हो रहा है एक ही लगातार फोन आ रहे वही लगातार उसकी गर्लफ्रेंड फोन कर रही, बात कर रही। मुश्किल ही है,
जो कुछ भी है, जो वीडियो करना है आप लोग को शेयर करो, जो आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है वो भी शेयर करो, लाइक करना है तो लाइक करो, वो आप लोगों की मर्जी है, मगर सब्सक्राइब कर लो और इंशाल्लाह वो भी कमाई शुरू हो जाए आप लोगों की दुआ से। यहाँ फास्टैग है, एक बार जाके हम फास्टैग से मिलने के बाद करेंगे क्या प्रोसेस है कि, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ये गटकेसर क्रॉस करा हूँ, अभी चाय पीने के लिए रुका हूँ, जाके अपन चाय पी लेके आएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को मैं गाड़ी दिखाता हूँ एक मिनट। ये गाड़ी पीछे से और ये साइडों से, और ये देखा गया तो नल, हाथ धो लेने का नल ही है इस सामने का। तो दोस्तों ये है गाड़ी अपनी, आप लोगों को दिखाता हूँ एक मिनट पूरी गाड़ी। जाके अपन चाय पी लेके आएंगे, खाना नहीं है, गाड़ी नहीं चला सक रहा। अरे पर्स उसमें से, मतलब पैसे इसमें से देना पड़ेगा। तो दोस्तों फास्टैग लगाने का था, बोलना भूल गया मैं अपनों से, फास्टैग लगाने का था। तो ये है अपना फास्टैग, इसलिए वहाँ पे देर हो गई। भैया भी बोल रहे थे हल्लो आओ, उनके मेरे को थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती, मतलब उतना परफेक्ट नहीं आती। तो ये इंडियन बावर्ची है यहाँ पे, अब इंडियन बावर्ची में ईरानी चाय फेमस, चाय पी लेके थोड़ा पान ले लेके निकलेंगे अपन। दोस्तों यही थी अपनी गाड़ी, और आवाज़ आ रही थी तो पीछे सामान है चूल्हे वगैरह, तो इस वजह से मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका। जब से नॉन स्टॉप चल रही गाड़ी, थोड़ी देर टायरां भी ठंडे होते और इंजन भी थोड़ा ठंडा होता ना, इस वजह से रोका। एक बार ये खोल के देखेंगे डोर, अंदर सामान है मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। दोस्तों यही है वो सामान, ये जो है ना ये दोशे का तवा बोलते इसको, यही 60 किलो के करीब में है, वो बड़ा चूल्हा दोशे का, ये दो छोटे चूल्हे, पूरे एसएस के चूल्हे, ये अंदर का है लोग। डोर ओपन है, पाँव के दर्द के वजह से थोड़ा हाथ धीरे धीरे चलाते जा रहा, और वहाँ गए बात में तुम्हें कुछ कामा है, अब मैं चलाना मैं ब्लॉग निकालना बोलता नहीं हो रहा, जाके स्टिकरिंग भी कराना है और स्टिकरिंग नहीं हुई गाड़ी, स्टिकरिंग नहीं हुई और स्टिकरिंग कंप्लीट करना है, और दुकान का सामान भी लेना है आपको। इंशाल्लाह दुकान का सामान लिए बाद में आप लोगों को कल का ब्लॉग इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शूट करके बताऊँगा। और ठीक है चलते हैं, सब्सक्राइब अब तो कर लो, अब तो भी थोड़ा शेयर करो कि ये गरीब ये गाड़ी लेके, मतलब बदल हाथ बदल खर्चा लेके मेहनत करके आगे बढ़ रहा हूँ। अब तो भी चार लोगों को शेयर करो कि भाई करने बैठे तो बहुत सारे काम आए, मगर चोरी नहीं करना, लंगा काम नहीं करना, बस मेहनत का काम खाना, पैसा कमाना और मेहनत का पैसा खाना। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हैदराबाद से करीब करीब 100 किलोमीटर आ गए हूँ, गिरते पढ़ते का वो मेरी परेशानी अलग समझो, एक तो पाँव का दर्द है, दूसरा ये सामने का जो आईना है, आईना कौन सताया वो चीज़।
बाजू पर रखी थी ना गाड़ी, तो वो बोझ रहे तो माइल आ रही, बोझ रहे तो माइल आ रही, बोझ रहे तो माइल आ रही, तो आधा घंटा खरीब खरीब वो पोचे में चले गया था। आराम से जा रहा हूँ, 50 के स्पीड में हूँ, 50 के स्पीड में, और गाड़ी का फास्टैग भी करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। टोल गेट पे भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बस गाड़ी जा रहे से जा रही। आप लोग देखो रात का नज़ारा, रात के ड्राइविंग में कुछ मज़ा ही कुछ और है। कादिर भाई से मिलने के लिए आया, बहुत दिनों से हमारे कादिर भाई बोले तो सूबेदारी बोले तो कादिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भैया जो हिम्मत दिए, भैया जो हेल्प करे, वो मैं सही भी ना उनको आगे शुक्रिया अदा करके उनको भी मतलब खुशी का पल उनसे भी शेयर कर रहा है। तो चाय मार लेके यहाँ से सीधा घर को, और क्या बोलना चाह रहे हैं कादिर भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है खुश रहो, अच्छा चलाओ जो भी है, इंशाल्लाह आमीन करे, आमीन करे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। रोज़ भाई से मिलने के लिए आया उनकी शॉप को, यहाँ पर उनकी शॉप है आप देख सकते हैं। तो भैया नहीं है, बाहर गए थे, भैया से भी स्पेशली थैंक्स बोलना था, उनको शुक्रिया अदा करना था उनका, भैया आज बहुत हेल्प करे मेरे लिए, और इसके बाद जाके मिलना है अपन को आसिफ के साथ, देखेंगे क्या होता। मेरी ज़िंदगी में ये जर्नी से इसको भी बेकार जर्नी कौन सी नहीं है, भाई को बोले तो मेरे साथ में आसिफ नहीं है, बस मैं अकेला हूँ, नाराज हूँ, मगर नाराज बैठे तो नहीं जमता ना, जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसीलिए गलती से गाड़ी को चलाते रहना। अरे भाई एक उड़ गया बोल के अपन पीछे खत्म डाले, तो मेरे पर जो भी भरोसा करे उन लोगों का भरोसा मैं तोड़ दिए जैसा होना, समझे ना, मेरे साथ है बस उतना ही।